अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशाहिद शेख हाजिर हूँ हाजी मलंग के एक न्यूज़ सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में हम दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। तो नाज़रीन, जब आप कल्याण स्टेशन से आओगे तो ये वो जगह है जहाँ पे टैक्सी वाले या बस वाले या ऑटो वाले आपको यहाँ पे छोड़ेंगे, और ये यहाँ से अपना जो रास्ता है वो पहाड़ का स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हम आगे और आपको यहाँ के बारे में ओवरऑल डिटेल चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, और चादर वगैरह के लिए भी यहाँ पे स्टार्टिंग में शॉप आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंड में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाश्ते वगैरह के लिए होटल वगैरह यहाँ पे मौजूद है, तो प्रॉपर सही तरीके से आपको खाना वगैरह मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट टाइमिंग है यहाँ पे आने के लिए मॉर्निंग का टाइमिंग। मैं कभी कुछ टाइम देख सकते हो, मैं ये टाइम पे आ रहा हूँ, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा गलत है। आप मॉर्निंग के टाइम पे अगर 6-7 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमें आगे लाठी वगैरह भी लेना, क्योंकि बंदर आगे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ लेना पड़ेगा खाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आज का वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज आज हम यहाँ की ओवरऑल जितने भी दरगाह शरीफ है कवर करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ का सारा अपडेट आपको देते रहेंगे कि चीज़ें कैसा है, रास्ता कहाँ पे है, कैसा जाना है। तो ये यहाँ का मार्केट है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा मार्केट है। मार्केट भी कभी हम एक्सप्लोर करेंगे एक नए सीरीज़ में। नाज़रीन, अगर आप दरगाह शरीफ में जाओगे तो ये चीज़ आपको लगेगा, ये है हमारा हथियार, बिकॉज आगे बंदर बहुत परेशान करने वाले, तो लाठी लेना कंपलसरी है। एंड चढ़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख के आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाठी वगैरह लेके चले, बिकॉज आगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसका प्राइसिंग कुछ 10-20 रुपये अकॉर्डिंग शॉप और दुकान वाले के बेस पे उनके अकॉर्डिंग प्राइस आएगा। तो ये मुझे जो मिल रहा है इनका प्राइस 20 रुपये है, तो आप लोग भी ज़रूर ले लें जब भी आइएगा। और साथ ही साथ ये चने का पैकेट वगैरह ले लिया करें, बिकॉज आगे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो उनको खिलाने के लिए आपको काम आएगा, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बंदर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो चने काम आएंगे, 20 के 5 पैकेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चना और लाठी दोनों कंपल्सरी है, दोनों लेते हुए जाए आगे। नाज़रीन, हमने अपने आगे के सफ़र के लिए हमने अपने हथियार और अपने साथी को ले लिए, बिकॉज बंदर आगे बहुत परेशान करने वाले। और प्रॉपर अब समझिए कि यहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आज के वीडियो में मज़ा आएगा। और जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे आपको कंटिन्यूसली यहाँ के जो लोग हैं वो शॉप वगैरह डाल के रखे हैं, लाठी के, चादर के, और खाने पीने चीज़ों के प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हो प्रॉपर बहुत सारे शॉप्स वगैरह है। और एक बात मैं बता दूँ आपको, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हाथ मिलाने के लिए बुलाएंगे, बट आप उनके करीब जाना नहीं, वो शायद आपके लिए अच्छा ना होगा। बहुत सारे लोग बुलाते रहेंगे आपको, बट आप ऐसा है कि आप जिस काम के लिए आए उस काम वही काम करना और अपने धुन में चलते रहना। आगे आगे बहुत सारे लोग आपको बुलाते रहेंगे। बुलाते रहेंगे, लेकिन लोगों का धंधा भी करते रहना। बोला बिल्कुल बिल्कुल, आपका धंधा होते रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो भी आपके नसीब में लिखा वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जो सीढ़ियाँ चढ़ने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। आप आगे से देख सकते हो सीढ़ियाँ चढ़ने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और ये यहाँ की एक मस्जिद है जहाँ पे लिखा हुआ है, मस्जिद का नाम है मदरसा फिरदौस मस्जिद हाजी मलंगवाड़ी नीचे की मस्जिद। तो ये यहाँ की मस्जिद है और ये पहली मस्जिद है। जब आप आओगे, थोड़ा सा स्टेप चलोगे तो आपको ये मस्जिद दिख जाएगा। तो माशाल्लाह ये अपने यहाँ की जो पहली मस्जिद है वो आपने देखे। और आगे ऐसी जो भी मस्जिद या स्कूल या कॉलेजेस या कुछ भी हमें आगे मिले, सॉरी कॉलेजेस तो रहेंगे नहीं, आगे स्कूल रहेंगे, तो आगे आगे हमें जो भी मिलेंगे वो सारी चीज़ों का हम अपडेट आपको इस वीडियो में देते रहेंगे, ताकि आपको ओवरऑल पता चलते रहे कि यहाँ पे चीज़ें क्या है और कैसा है। और थका तो नहीं हूँ, बट ऐसा लग रहा है, थकावट की ऐसा लग रहा है। और सीढ़ियाँ चढ़ने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो चलते आगे, और आगे जो भी अपडेट मिलता है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में शेयर करते रहता हूँ। आप लोग वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नाज़रीन, यहाँ पे जो ग्रुप ग्राम पंचायत हाजी मलंगवाड़ी है, यहाँ पे 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का एंट्री फीस है, जो यहाँ के डेवलपमेंट में यूज़ होता है। और यहाँ पे से आपको टिकट वगैरह लेना पड़ेगा दो लोगों का। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको 5 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस देना पड़ेगा, जो यहाँ के डेवलपमेंट में यूज़ होता है। आगे बंदर लोग हमें मिल गए जो परेशान करने के लिए रहेंगे, तो काफ़ी काले बंदर है, मैं मेरे फ़ोन को बचाऊँगा इन लोगों से। यह देख सकते हो बंदर लोग यहाँ से मिलना हमें स्टार्ट हो गए। आ जाइए,
चल जल्दी, कितना बड़ा है वो। यहाँ पे बंदर वगैरह आ गए और काफी ज्यादा फ्रेंडली है ये लोग, और बंदर यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गए। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो इनके लिए चने वगैरह लेते रहे, ये नुकसान आपको जरा सा भी नहीं पैसा पहुंचाएंगे, और काफी ज्यादा ये लोग अच्छे है, बस इनको चना वगैरह खिलाते रहो आप। काफी ज्यादा फ्रेंडली है लोग, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे बंदर मिलना स्टार्ट हो गए और आगे इसी तरह रस्ते में पूरा बंदर वगैरह हमें मिलते रहेंगे। तो काफी ज्यादा अच्छे ये लोग, काफी ज्यादा फ्रेंडली, बट डर भी रहा हूँ मैं लोग से क्योंकि नाखून बहुत बड़े बड़े है, कहीं एक बार मार लाते होते। तो नाजरीन आप लोगों ने देखे कि बंदर यहाँ के काफ़ी अच्छे थे, हम लोग ने उनको चने वगैरह भी खिलाए अपने वीडियो में देखे, और जब भी आप आओ तो उनके लिए चने वगैरह लेते रहे और उनको परेशान ना करें, उनको मारे ना, काफ़ी ज़्यादा वो लोग अच्छे थे और उनके लिए चने वगैरह लेते आए। और आप देख सकते हो काफ़ी क्राउड में लोग यहाँ पे आ रहे, काफिला का काफिला लोग, बड़े दूर दराज से बुज़ुर्ग लोग, जवान लोग, जिनकी जो उम्र है, हर लोग आ रहे बाबा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। और हम अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में बड़ी बड़ी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, क्योंकि ये अल्लाह के वलियों की करामत है। नाजरीन पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और थकावट भी बहुत हो रही है, बट कोई मसला नहीं, हम अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहे, इंशाल्लाह करम ज़रूर होगा, और ऐसा करम होगा कि दिल की दुनिया बदल जाएगी, ऐसा करम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बदल जाएगी और ज़िंदगी और काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। और इस दरगाह शरीफ में जो सीढ़ियाँ है इस दरगाह शरीफ की, यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपको बीच रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टॉल वगैरह दिख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे हर जगह जगह पे बैठने का ऑप्शन दिया गया है। असल में यहाँ की चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको रास्ते भर पूरे स्टॉल्स वगैरह, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे और आराम कर सकते हो, अपने यहाँ पे आके बैठ सकते हो। पानी, जूस वगैरह की बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी है, खाने का भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत सारे शॉप है, जितना आपके मोहल्ले में शॉप नहीं है उतने तो यहाँ पे शॉप है। तो माशाल्लाह यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बैक टू बैक बहुत सारे होटल्स वगैरह और स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन ये लाठी खरीदने का फायदा यहाँ पे होगा कि जब आप चढ़ नहीं पाओगे तो इसके बेस पे आप चढ़ पाओगे, बिकॉज ये फिर हमारा ये तीसरा पैर बन जाता है। तो लाठी जब भी आओ तो यहाँ पे खरीद ले, बिकॉज लाठी खरीदना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना चढ़ना बहुत डिफिकल्ट। आप देख सकते हो मेरी पूरी हालत ख़राब हो गया और मैं अभी पहले सलामी तक भी नहीं पहुँचा हूँ और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ मैं अभी तक, पूरे पसीने से लथपथ हो गया और थकावट बहुत हो रही है, बट इंशाल्लाह हिम्मत नहीं आ रहा है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दरगाह शरीफ में जाना, बिकॉज आगे हमें बहुत सारे और भी वीडियोज़ बनाने और जल्दी घर पर ही पहुँचना है। तो लाठी मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, इधर ज़रूर ले आप, ये आपके बहुत काम आएंगे, ये आपका तीसरा पैर है। नाज़रीन ये बख्तावर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ और ये पहला सलामी है। जब आप आओगे हाजी मलंग के दरगाह शरीफ में तो आपको ये पहला दरगाह शरीफ दिख जाएगा। तो अभी हम इंशाल्लाह इस दरगाह शरीफ में हाजिरी देते हुए, फातिहा करते हुए, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, हम तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हम दूसरे सलामी पे पहुँचेंगे, फिर इंशाल्लाह हम मेन दरगाह शरीफ में जाएंगे ज़्यारत के लिए। तो आप लोग वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहे, और ये देख सकते हो आप ये बख्तावर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ है, ये हज़रत का आस्थाने मुबारक है। तो नाज़रीन ये है पहला सलामी और इनका नाम है हज़रत बख्तावर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, ये आस्थाने मुबारक है। जब दरगाह शरीफ में आप हाजी मलंग जाओगे तो आपको बीच रस्ते में, जब आप बीच रस्ते में आओगे पहाड़ के बीचों बीच में आओगे तो आपको ये दरगाह शरीफ दिख जाएगा और ये पहला सलामी है दरगाह, यहाँ पे लिखा हुआ दरगाह हाजी बख्तावर बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे और तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो नाज़रीन ये है हाजी बख्तावर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ, आप मेरे वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर रहे हो। ये वो दरगाह है जहाँ से बिगड़ी बनाया जाता है, ये वो दरगाह है जहाँ से दिल की दुनिया बदल जाती है। तो आप मेरे वीडियो के ज़रिए से हज़रत की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला हज़रत बख्तावर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सद के हम सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। नाज़रीन आप मेरे पीछे देख सकते हो ये ट्रेन का काम चालू है, यहाँ पे स्टेशन बन रहा है और अभी भी काम चालू है, पीछे आपको दिख जाएगा पूरा काम वगैरह चालू है और बहुत जल्द चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये फनिकुलर ट्रेन है जो सीधा वहाँ से आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा और यहाँ से दरगाह शरीफ थोड़ी दूरी पर है, तो जो स्टेशन का काम है वो अभी भी चालू है, इन प्रोसेस है, नीचे लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये साल में उम्मीद है कि चालू हो जाएगा। तो नाज़रीन
पीछे अब देख रहे हो ट्रेन का काम अभी भी चालू, अभी तक बना नहीं है और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देखें, वहाँ पे आपको ट्रेन के अपडेट के बारे में पूरा डिटेल मालूम चल जाएगा। और अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप भी खुश हो जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊँगा, क्योंकि हाजी मलंग दरगाह शरीफ का जो गेट है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा है हाजी मलंग साहेब दरगाह शरीफ स्वागत है, ऐसा करके वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो दरगाह शरीफ है वो नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दरगाह शरीफ में हाजिर देंगे। बट मेन दरगाह शरीफ से पहले एक और दरगाह शरीफ आएगा जहाँ पे दूसरी सलामी देते हुए हमें फिर आगे बढ़ना है। तो नाजरीन आप लोग वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहे एंड जो लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखे। और हाजी अली और हाजी मलंग के बारे में आप पूरा अपडेट जानना चाहते हो मेरे चैनल पे आपको पूरा एपिसोड मिल जाएंगे जहाँ पे पूरा प्रॉपर मैं हाजी मलंग के दरगाह शरीफ एंड ओवरऑल यहाँ की सारी चीज़ों को डिफाइन अपने वीडियोज में बताया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे प्रोफाइल पे जाके वो सारे वीडियोस भी देखें, तो ताकि आपको यहाँ के बारे में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नाज़रीन हम दरगाह शरीफ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और जब आप यहाँ पे आओगे अभी हम जाएंगे दूसरे सलामी की तरफ। दूसरा सलामी अंदर है जिनका नाम हज़रत सुल्तान शाह बाबा है, आपको दिख रहा रहेगा वीडियोज़ में, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हाजी सुल्तान शाह बाबा है। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं दूसरे दरगाह शरीफ में और वहाँ पे दरगाह शरीफ में जाके ज्यारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और फिर हम अपने तमाम व्यूवर्स के लिए और जिन लोगों ने भी मुझे दुआ के लिए कहा उन सबके लिए दुआ करते। और ये रहा हमारा दूसरा दरगाह शरीफ सुल्तान शाह बाबा का। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे फूल चादर वगैरह दुकान है। तो जब भी आप दरगाह शरीफ में हाजिरी दे तो फूल वगैरह एक लेके जाए। तो माशाल्लाह नाज़रीन ये है दूसरा सलामी हज़रत हाजी मीर शकी सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और ये वो आस्थाना है जहाँ से बिगड़ी बनाया जाता है, ये वो आस्थाना है जहाँ से उलझे हुए कामों को सुलझाया जाता है। तो आप मेरे वीडियो के जरिए से हज़रत के आस्थाने मुबारक की ज्यारत कर रहे हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदके हम सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए और आप हज़रत को सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मुराद पूरी होगी। तो ये था दूसरी सलामी जो मैंने आपको मेरे वीडियो के जरिए से ज्यारत करवाया। अंदर का माहौल देख सकते हो, अंदर का दरगाह शरीफ का ज्यारत कर सकते हो मेरे वीडियो के जरिए। और जब आप यहाँ पे आओगे हाजी मलंग दरगाह शरीफ तो आपको पहली सलामी भी मिलेगी और दूसरी सलामी भी मिलेगी। तो आप दोनों दरगाह शरीफ में सलामी देते हुए आगे बढ़ना और मैं आपको अंदर कुछ दिखा सकता हूँ। ये रहा अंदर का कुछ नज़ारा जो आप मेरे वीडियो के जरिए से देख रहे हो। तो जब भी आप आओ तो यहाँ से सलामी पेश करते हुए यहाँ पे फातिहा पढ़ते हुए उनके वसीले से दुआ मांगते हुए आगे बढ़ा करें। आप चलते अभी मेन दरगाह शरीफ में। नाज़रीन दूसरी सलामी के जस्ट पहले आपको हज़रत कमली शबाबा की आस्थाने मुबारक दिख जाएगा। तो ये कमली शबाबा का आस्थाने मुबारक है, आप यहाँ पे भी फातिहा वगैरह पढ़ के आगे बढ़े, इनके वसीले से दुआ मांगे। तो नाज़रीन आपने मेरे वीडियो के जरिए से पहली सलामी, दूसरी सलामी और कमली शबाबा की दरगाह शरीफ की ज्यारत की है। और ये है नूर अली शबाबा की आस्थाने मुबारक, माशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। तो जब आप हाजी मलंग दरगाह शरीफ आए तो इन सारे दरगाह शरीफ में सलामी पेश करते हुए आगे बढ़े और इनके वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। जब आप ऊपर दरगाह शरीफ के लिए आओगे हाजी मलंग के लिए तो आपको राइट साइड सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ दिख जाएगा और ये बोर्ड लगा हुआ है, जब आप इस बोर्ड को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और ये दूसरी सलामी है और यही साइड सुन्नी कब्रिस्तान मस्जिद है और इस जगह को सुल्तान नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने मुबारक है राइट साइड में और ये यहाँ की कब्रिस्तान मस्जिद है। तो माशाल्लाह यहाँ की मैंने आपको पूरा प्रॉपर अपडेट दिए जा रहा हूँ मेरे वीडियो के जरिए से स्टार्ट टू एंड तक का। और अभी इंशाल्लाह आगे और भी पूरा सफर बाकी है जहाँ पे मैं आपको पूरा कंटिन्यूसली यहाँ के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे मुझे जो भी अपडेट मिलते रहेगा मेरे वीडियो के जरिए से आपको मालूम चलते रहेगा। तो वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक आप लोग बने रहे। हाजिरी एक ज़रूरी बात, आप दरगाह शरीफ में आए हाजिरी दे और हाजिरी दे ये बहुत अच्छी बात है, बट नमाजों को मिस ना करें। इन दौरान दरगाह शरीफ में जाने के लिए हाजी मलंग में तकरीबन 2 घंटे का पहाड़ चढ़ना पड़ता है, बट इस दौरान आप नमाज वगैरह ना छोड़े। यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद भी है तो वहाँ पे भी नमाज पढ़े या फिर नीचे पहली सलामी के यहाँ पे या फिर दूसरी सलामी के यहाँ पे भी आप नमाज वगैरह अदा कर सकते हो। तो नमाजों को मिस ना करें और बहुत अहम पैगाम है आप लोगों के लिए, और जितना हो सके नमाज को कायम करें। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कैसा भी मोमेंट आ जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आप नमाजों को ना छोड़े, ठीक है? तो आप नमाज पढ़ते रहे और अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते रहे और इंशाल्लाह फैज़ हासिल करते रहे, बहुत ज़रूरी है चीज़ हमारे लिए। तो माशाल्लाह नाज़रीन ये है हज़रत का आस्थाना हाजी मलंग दरगाह शरीफ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के जरिए से, और काफ़ी क्राउड में लोग यहाँ पे आए हैं दरगाह शरीफ हज़रत की आस्थाने मुबारक की ज्यारत करने के लिए। तो ये है हाजी अब्दुल रहमान मलंग शबाबा रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने मुबारक। तो अभी हम अंदर जाएंगे दरगाह शरीफ में, फातिहा पढ़ेंगे और तमाम लोगों के लिए दुआ भी करेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहे, चलते हैं अंदर दरगाह शरीफ में और ज्यारत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह
अस्सलामुअलैकुम या वली अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, ये रहा आस्थान मुबारक हज़रत का। और जब आप अंदर दरगाह शरीफ में आओगे तो आपको यहाँ पे दो मज़ार दिख जाएंगे। ये जो आप अभी देख रहे हो ये फातिमा माजी की दरगाह है और ये हाजी मलंग बाबा की दरगाह है। तो आप बाबा जान को सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज मुराद पूरी होगी। ये अल्लाह हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदके हम सबको आशिक रसूल बना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके घरों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा और हम सबकी जायज मुरादों को पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम।